पंचांग के अनुसार आज 11 मई 2022 बुधवार को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की दसवीं की तिथि है। आज का दिन विशेष है। आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और आज के दिन आपका दिन कैसा रहेगा, आपको किस चीज में फायदा मिलेगा, ये बताएंगे आज इस राशिफल में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष के साथ। आज के दिन आप अधिक क्रोध से बचे तो वहीं दूसरी ओर घर के वरिष्ठ आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच टकराव भी हो सकता है। ऑफिशियल स्थिति की अगर बात की जाए तो अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो कर्मचारियों के वेतन में समय ना लगाएं। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। युवाओं को कोई भी कार्य कल के लिए नहीं टालना है। सेहत में पेट में कोई दिक्कत या परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से तनाव चल रहा है तो वो अब शांत होगा। वृषभ राशि, आज के दिन किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको लक्ष्य के पीछे कर सकती है। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस या फिर सोशल वर्कर के साथ अपना काम करते हैं, उन्हें व्यापार में घाटा हो सकता है। तेल के कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। युवाओं को अपना हौसला और गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत है। ऐसे मौके का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और छोटी छोटी समस्या होने पर परेशान होने से बचें। घर में इस दौरान सौम्यता से वातावरण बनाएं, मेहमानों का स्वागत करें। मिथुन राशि, आज के दिन तनावपूर्ण स्थितियों का सामना बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। आर्थिक स्थितियां पहले से सुधरती नजर आ रही है। कार्य पेंडिंग चल रहे थे, अब धीरे धीरे वो काम पूरे होंगे। ऑफिस में जूनियर और सीनियर दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप काफी ज्यादा मोटिवेट रहेंगे। व्यापार में सोचे गए मुनाफे से कुछ कम ही आपको प्राप्त होगा। युवाओं के अंदर ऊर्जा, विश्वास, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से साइटिका और कमर दर्द परेशान कर सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। समय का कुछ हिस्सा माँ के साथ भी शेयर करें। कर्क राशि, आज के दिन अपनों के साथ प्रोफेशनल व्यवहार करना ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों को नकारात्मक अनैतिक तरीके से लाभ कमाने का इच्छा मन में ला सकती है। ऑफिस में कठिन परिश्रम करने के कारण आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित विवाद के विस्तार में अधिक निवेश करने के लिए समय उत्तम नहीं है। विद्यार्थियों को गुरु का सम्मान करना जरूरी है, इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मुंह में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। संतान छोटी है तो पारिवारिक संस्कार बताने चाहिए, साथ ही उसके हैबिट्स पर भी ध्यान दें। सिंह राशि, आज के दिन कीर्ति और यश में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए इस समय उत्तम है। जहां एक सोशल और कार्य का तालमेल बना रहेगा तो वही दूसरी और नौकरी स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन की भी संभावना नजर आ रही है। बिजनेस पार्टनर के साथ किन्हीं बातों पर अनबन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में आपको शांत रहना होगा। सेहत में पुराने रोगों में सुधार होगा। पेट से संबंधित रोगों के लिए अलर्ट रहें। घर में शांति का माहौल बनाएं और परिवार के साथ अपना व्यस्त वक्त बिताएं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज दुर्घटना संबंधित बातों को लेकर सचेत रहना होगा। सहयोगी उच्च अधिकारियों और अनिष्ट का सहयोग प्राप्त होगा। सिविल सर्विसेज में कार्यकर्त लोग और उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चले। उनकी बातों को अच्छे से सटीक से गंभीरता से लें और फर्नीचर से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे, ये समय सिर्फ स्टॉक को खाली करने पर ध्यान नहीं देना है। यूरिन इन्फेक्शन संबंधित परेशानियां होने की भी आशंका है। संतान के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आप अगर नए बिजनेसमैन की तलाश में हैं तो पिता से अवश्य इस बारे में बात करें। तुला राशि, आज के दिन धन लाभ की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। गलतियों का आंकलन करते हुए बॉस आपके साथ कठोर व्यवहार अपना सकते हैं। व्यापारियों को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। बड़े ग्राहकों से बातचीत करते रहे। खुदरा व्यापारी प्रचार प्रसार का सहारा ले। करंट व धार चीजों से अलर्ट रहे, खासकर बिजली का कार्य करने वालों से भी अलर्ट रहे। परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले वरिष्ठों की
सनिधि में रहकर करनी चाहिए। संतान की पढ़ाई को लेकर धन खर्च भर सकता है। अपने महत्वपूर्ण दिन को किसी और के साथ शेयर करें। वृश्चिक राशि, आज के दिन आवश्यक बातों में दिमाग लगाने से कार्यों में आप पीछे रह सकते हैं, इसलिए बातों में नहीं बल्कि अपने काम में ध्यान लगाएं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों पर काम का ज्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में जिन लोगों को हाथ में दर्द रहता है, वो एक बार डॉक्टर से अवश्य अपना चेकअप करवाएं। मन में शांति हो तो पूजा करते समय एक माला और ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे लाभ होगा। धनु राशि, आज के दिन कठिनाइयों को देखकर कर्म करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि वर्तमान में सफलता मिलने की संभावना है। ऑफिस में दूसरे के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उनके विवाद आपके लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। व्यापार में अधिक मुनाफे के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लेना उत्तम होगा। ऑनलाइन से जुड़े लोगों को भी काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद पर ध्यान दें। जीवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिवारिक में सभी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें। मकर राशि, आज के दिन जितना हो सके मीठा और कम बोलें। आजीविका के क्षेत्र में टीम को लीड करने के लिए अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार रखें। बॉस की तरफ से कोई नकारात्मक सूचना मिलने की आशंका है। बड़े व्यापारी कोई भी निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो धन में हानि हो सकती है। सरकारी विभाग से रिलेटेड बिजनेस में अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। सेहत को लेकर रोगों के प्रति अलर्ट रहें। एलर्जी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, चल रही बीमारी के लिए आपको अपना चेकअप करवाना होगा। मित्रों और परिवार की मदद अगर आपको देनी पड़ रही है तो उसे जरूर लें। कुंभ राशि, आज के दिन खरीदारी करने के लिए उपयुक्त है। खुद पर ध्यान देते हुए खुद को समय दें। ऑफिस में यदि आप मुख्य पद पर हैं तो सहकर्मियों से बात विवाद करने से बचें। ऐसा करना आपकी छवि को खराब कर सकता है। बिजनेस पार्टनर पर भरोसा रखते हुए उनके लिए गए फैसलों पर भरोसा रखें। घरेलू चुनौतियों में महिलाओं को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के लिए पिछली की गई लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, ऐसे में अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर से संबंधित चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। मीन राशि, आज के दिन उत्साह और आनंद के साथ आपका बीतेगा। ऐसा करने से सभी कार्य आसानी से आपके होंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को स्वयं का मार्गदर्शन करना होगा। पिछले कार्यों पर पहली निगाह रखनी होगी। व्यापार से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दूसरों के प्रत्येक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखें। विद्यार्थी है अगर आप, तो आपको अपनी पढ़ाई पर लापरवाही ना बरते। बुद्धि प्रखर है तो अपने अच्छे फल के लिए और अच्छी मेहनत करें। थायराइड की समस्या है तो अधिक देर तक खड़े होकर कार्य ना करें। पैरों में सूजन होने की आशंका है। बिगड़े संबंध उन्हें दोबारा सही